बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होंडा CG 125 2022 मॉडल की फर्स्ट ट्यूनिंग किस तरह से करनी चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास होंडा CG 125 2022 मॉडल है जो कुछ ही दिन पहले मार्केट में लॉन्च हुआ है। ये 600 कुछ किलोमीटर चल चुका है। कस्टमर का ये कहना है कि ये तकरीबन 1000 किलोमीटर चल चुका है। इसका मीटर उन्होंने बंद कर दिया था शुरू में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होंडा CG 125 जब कभी भी आप न्यू परचेज़ करें कौन कौन से काम करवाना ज़रूरी होते हैं, कौन सा इंजन ऑयल शुरू में डलवाना चाहिए, कब ऑयल चेंज करवाना चाहिए, ट्यूनिंग कितने हज़ार किलोमीटर के बाद होती है, क्या दुराने ट्यूनिंग कार्बोरेटर खोलना ज़रूरी है या नहीं है, इसकी चैन स्प्रॉकेट को किस तरह से साफ़ करना चाहिए, इसके टैपर्स की एडजस्टमेंट कितनी रखनी है आपने, इसके नट बोल्ट को किस तरह से आपने चेक करना है, एयर फिल्टर साफ़ करने के बाद वॉश करने के बाद आपने कौन सा ऑयल लगाना है, और एयर क्लीनर जो है इसका वो किस चीज़ के साथ आपने साफ़ करना है, A to Z कंप्लीट डिटेल आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की जाएगी। हमारे इधर के माहौल के हिसाब से आप देख सकते हैं कि डस्ट वाला इलाका है। अभी न्यू बाइक है, इसके चैन कवर के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट है, चैन स्प्रॉकेट किट और चैन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट और रेत लग चुका है। यही रेत इसको ख़राब कर देगा। उसके बाद मैग्नेट साइड कवर हम खोल के आपको चेक करवाते हैं, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रेत आ चुका है, डस्ट आ चुकी है। यही डस्ट इसके चैन स्प्रॉकेट किट को बहुत जल्दी ख़राब कर देती है। ये साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। बैटरी का एसिड आपने चेक कर लेना है, अगर ज़रूरत हो तो बैटरी को चार्जिंग पे लगा देना है। उसके बाद ये जो ASV फ़िल्टर आप देख रहे हैं, इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको साफ़ करने से उल्टा ये बंद हो जाता है। जस्ट आपने 11000 किलोमीटर के बाद ASV फ़िल्टर आपने न्यू डाल देना है। उसके बाद फ़िल्टर साइड कवर आपने खोल लेना है, फ़िल्टर केस को आपने अलहदा कर लेना है। चार स्क्रू आप देख सकते हैं, पहले दो नट होते थे 10 mm के, अभी चार स्क्रू हैं। इसको आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेना है। पहले ये बॉडी इसकी मेटल की होती थी, अभी ये प्लास्टिक की है। फ़िल्टर बॉक्स के चार स्क्रू खोलने के बाद फ़िल्टर बॉक्स कवर को आपने अलहदा कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर भी उन्होंने एक छोटी सी रबड़ दी है ताकि प्रेशर लीक ना हो कहीं से। अगर जो यहाँ से प्रेशर लीक होगा तो बाइक का साउंड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। पहले इस साइड पे एक क्लिप नुमा पत्ती होती थी, अभी वो भी ख़त्म कर दी गई है। अभी एक ये स्क्रू लग गया है छोटा सा। पहले ये होता था जंप वगैरह लगते थे तो पत्ती अलग से निकल जाती थी साइड पे, तो उससे ये होता था कि फ़िल्टर की वजह से बाइक का साउंड चेंज हो जाता था, ख़राब हो जाता था। अभी यहाँ पर भी एक सील दे दी गई है, पहले वाले मॉडल्स में ये सील नहीं होती थी। मीन के इसके साउंड को पहले की निस्बत और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। फ़िल्टर को आपने अलहदा कर लेना है, बहुत ही एहतियात के साथ आपने फ़िल्टर को बाहर निकालना है ताकि ये फट ना जाए, और फ़िल्टर को आपने मिट्टी के तेल के साथ ही वॉश करना है। अगर आप पेट्रोल के साथ फ़िल्टर को वॉश करेंगे तो फ़िल्टर की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। मिट्टी के तेल के साथ अगर जो आप वॉश करेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैकेनिक्स हजरात के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है मिट्टी का तेल। पेट्रोल की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ पर असर पड़ता है, सेहत ख़राब हो जाती है, क्योंकि पेट्रोल बुखारात की शक्ल में हमारे अंदर चला जाता है और हमारे फेफड़े वगैरह बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है मिट्टी के तेल का इस्तेमाल शुरू कर दें आप दोस्त, कार्बोरेटर वॉश करने के लिए, इंजन का सामान वॉश करने के लिए, एयर फिल्टर वॉश करने के लिए, जो भी आपने बाइक के रिलेटेड जो भी चीज़ें आपने वॉश करनी है उसमें आप मिट्टी का तेल ही इस्तेमाल करें। एयर फिल्टर को अच्छी तरह वॉश करने के बाद आपने उसको थोड़ी देर के लिए खुश्क होने के लिए रख देना है। एयर क्लीनर बॉक्स को आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। उसके अलावा जो जो एरियाज आपको लगते हैं साफ़ होने वाले हैं, वॉश होने वाले हैं, उनको आपने वॉश करना है। अभी आप देख सकते हैं इसकी जो जहाँ पे फ्रंट स्प्रॉकेट चल रही है इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट लगी हुई थी, रेत लगा हुआ था, इसको भी हमने मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह वॉश कर दिया है। उसके बाद आपने फ़िल्टर को खुश्क होने के लिए रख देना है और टैपर्ड कवर इसका आपने खोल लेना है। टैपर्ड कवर के तीन बोल्ट लगे होंगे, 10 mm की चाबी की मदद से आपने तीनों बोल्ट्स को खोल लेना है और टैपर्ड कवर को आपने अलहदा कर लेना है हेड से। टैपर्ड्स एडजस्ट करने से पहले आपने पिस्टन को टॉप पोजिशन पर लेके आना है। एक बार जब आप मैग्नेट टॉप पर ये टी का जो मार्क आपको मैग्नेट के ऊपर नज़र आ रहा है और सर्किट प्लेट केस के ऊपर भी आपको एक मार्क नज़र आ रहा है, इन दोनों मार्क को आपने बराबर कर लेना है। और लेकिन टैपर ट्रॉकर पट्टी को आपने चेक कर लेना है वो डांसिंग पोजीशन में ना हो। उस अगर जो डांसिंग पोजीशन में होगी तो एक बार फिर आपने मैग्नेट को घुमाकर दोबारा से टी के निशान को और जो इंजन
केस के निशान को बराबर करना है और अभी देखना है राकर पट्टी बिल्कुल फ्री हालत में होनी चाहिए, यानी जो राकर है इसके वो मूविंग ना कर रहे हों। जब आप पिस्टन को टॉप पोजिशन पर ले आएँ उसके बाद आपने वाल्व की क्लियरनेस चेक करनी है, उसकी जो पहले वाली क्लियरनेस है वो कितने mm है। उसके लिए आपको फिलर गेज की ज़रूरत पेश आएगी, तो 0.08 mm की फिलर गेज की मदद से आपने दोनों वाल्व की क्लियरनेस चेक करनी है। तो अभी यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि फिलर गेज को फिलर गेज क्यों कहते हैं। फिलर गेज को जब भी आप वाल्व क्लियरनेस की दरमियानी गैप से गुजारेंगे तो आपको फील होना चाहिए कि गेज वाल्व के गैप से गुजर रही है, यानी राकर के एडजस्ट और वाल्व की गैप के दरमियान से जब आप फिलर गेज को गुजारेंगे आपको पता चलना चाहिए कि फिलर गेज गुजर रही है, ना बहुत ज़्यादा लूज़ हो और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट हो, यानी फील से फिलर गेज निकला है इसीलिए इसको फिलर गेज कहते हैं। अगर फिलर गेज के हिसाब से आपको वाल्व थोड़े से टाइट नज़र आए, टैपर्स टाइट नज़र आए तो आपने लूज़ कर लेने हैं, अगर जो ज़्यादा लूज़ हों तो आपने टाइट कर लेने हैं। हमेशा टैपर्स की एडजस्टमेंट आप फिलर गेज के हिसाब से ही करें, आपके पास फिलर गेज हर मॉडल की हर नंबर की होना ज़रूरी है। जब आप टैपर्स को अच्छी तरह एडजस्ट कर लें, टैपर्ड कवर को आपने वापस लगा देना है, उनके तीनों बोर्ड्स आपने अच्छी तरह टाइट कर देने हैं। अभी बारी है इसका इंजन ऑयल तब्दील करने की, तो ड्रेन बोल्ट आपने इसका खोल लेना है 24 नंबर की चाबी के साथ और पहले वाले इंजन ऑयल को आपने बाहर निकाल लेना है किसी भी बर्तन के अंदर। याद रखिएगा इंजन का जो टेम्परेचर है ना तो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए और ना ही बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, दरमियाने टेम्परेचर पर आपने इंजन ऑयल बाहर निकालना है। और इंजन के अंदर प्रेशर लगाने की, एयर प्रेशर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जब आप नॉर्मल टेम्परेचर पर इंजन ऑयल बाहर निकालेंगे तो सारा इंजन ऑयल बाहर निकल जाता है। जस्ट एक दो मरतबा आपने किक लगा लेनी है बग़ैर स्विच ऑन किए, और प्लग खोल के आपने प्लग की कंडीशन भी चेक कर लेनी है, क्या बाइक की जो फ्यूल एवरेज है वो ज़्यादा ख़राब तो नहीं है। प्लग से इस तरह पता चलता है कि अगर प्लग की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है यानी ब्लैक में है तो एवरेज भी इसकी ख़राब है, अगर प्लग ब्राउन या वाइट है तो एवरेज बिल्कुल ठीक है। बैटरी चार्ज करने के बाद, बैटरी का एसेट पूरा करने के बाद आपने बैटरी को वापस लगा देना है और उसका जो ओवरफ्लो पाइप है वो भी आपने ज़रूर लगाना है। तो इंजन ऑयल अच्छी तरह निकल चुका है, अभी बारी है इंजन ऑयल डालने की, लेकिन इंजन ऑयल डालने से पहले नट को आपने अच्छी तरह टाइट कर लेना है, उसके बाद ही इंजन ऑयल डालना है। अभी आप जैसा कि जानते हैं कि सर्दियों के दिन है और न्यू बाइक है तो आप 10-30 इंजन ऑयल इसके अंदर डाल सकते हैं, कुछ अरसा ये इस्तेमाल करें आप ऑयल, जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो तो आप 20-40 इंजन ऑयल इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जब आपकी बाइक 25 से 30 हज़ार किलोमीटर चल जाए तो फिर आप 20-50 इंजन ऑयल यूज़ करना शुरू कर दें, इससे ये होगा कि आपकी बाइक के इंजन की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फ्रंट स्प्रॉकेट साफ़ करने के बाद इस जगह पर ऑयल लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फ्रंट साइड से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। चैन के ऊपर भी ऑयल लगाएं आप अच्छी तरह, हर 500 किलोमीटर के बाद आपने चैन को गियर ऑयल के साथ लुब्रिकेट करना है, गियर ऑयल आपने चैन के ऊपर लगाना है 80-90 गियर ऑयल। इंजन का ये जो मेन बोल्ट आपको नीचे वाला नज़र आ रहा है 14 mm की चाबी की मदद से, इस बोल्ट को आपने ज़रूर चेक करना है, अक्सर ये बोल्ट लूज़ हो जाता है, ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है। उसके बाद मैग्नेट साइड कवर वाश करने के बाद आपने लगा देना है, जब एयर क्लीनर अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो 10-30 इंजन ऑयल, जो इंजन के अंदर आपने ऑयल डाला है वही ऑयल आपने एयर फिल्टर के ऊपर लगाना है, अच्छी तरह ऑयल लगाकर बस थोड़ा सा आपने निचोड़ लेना है और दोनों फिल्टर्स के ऊपर आपने ऑयल लगाना है, ये ना हो कि एक फ़िल्टर के ऊपर आप लगा दें, दोनों फ़िल्टर्स के ऊपर आपने अच्छी तरह ऑयल लगा देना है। ऑयल लगाने के बाद आपने एयर फिल्टर को वापस अपनी जगह पर फिट कर देना है, तरीका तकरीबन वही है पहले वाला, फिटिंग में थोड़ी बहुत चेंजिंग आपको नज़र आएगी। दोनों फ़िल्टर्स को आपने अच्छी तरह फिट कर देना है और फ़िल्टर बिल्कुल इसी हालत में ही आपने फ़िट करना है, अक्सर मैकेनिक्स दोनों साइडों पे फ़िल्टर को अंदर की तरफ मूव कर देते हैं, बैंड कर देते हैं, उससे साउंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। जिस तरह अभी मैं फ़िल्टर को फ़िट कर रहा हूँ आपने भी इसी तरीके से फ़िल्टर को बाइक के अंदर फ़िट करना है, स्क्रू को आपने वापस लगाकर अच्छी तरह टाइट कर देना है। स्क्रू टाइट करने के बाद कवर को आपने वापस लगा देना है, उसके चारों स्क्रू को आपने अच्छी तरह टाइट कर देना है। फ़िल्टर के चारों स्क्रू अच्छी तरह टाइट करने के बाद आपने साइड कवर को भी लगा देना है। उसके बाद बारी आ जाती है चैन स्प्रॉकेट को साफ़ करने की। अभी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट लगी हुई है,
तो एयर प्रेशर की मदद से आप सारी डस्ट को ख़त्म कर सकते हैं। ऑयल लगाने से पहले आपने एयर प्रेशर लगाना है, सारी डस्ट को ख़त्म कर लेना है, उसके बाद ही आपने चैन को लुब्रिकेट करना है। चैन को लुब्रिकेट करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि हर 500 किलोमीटर के बाद आपने गियर ऑयल से चैन को लुब्रिकेट करना है और चैन के एडजस्टमेंट को चेक करना है। अगर चैन लूज़ हो तो आपने चैन को टाइट करवा लेना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा ढीला भी ना हो। और चिमटे के ऊपर जो मार्क दिए गए हैं, इस मार्क के हिसाब से आपने दोनों साइडों की अलाइनमेंट बिल्कुल बराबर रखनी है। अभी आप देख सकते हैं इधर भी जो चैन एडजस्टर के ऊपर जो मार्क है और चिमटे के मार्क दोनों साइडों पर एक ही नंबर पर होने चाहिए, यानी उस साइड पर अगर जो दो नंबर पर है तो इस साइड पर भी दो नंबर पर ही होना चाहिए। इससे व्हील की अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक रहेगी, यानी चैन स्प्रॉकेट अगर जो सही लाइन पर चले तो जल्दी ख़राब नहीं होता। अगर जो अलाइनमेंट आउट रहेगी तो चैन स्प्रॉकेट बहुत जल्दी ख़राब होगा या तो फिर रगड़ की आवाज़ पैदा करेगा, आपको चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। अगर आपकी बाइक पुरानी है तो चैन स्प्रॉकेट के जो दंदाने हैं वो आपने चेक कर लेने हैं। अक्सर चैन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, चैन का लिंक निकालने पड़ जाता है। अगर चैन स्प्रॉकेट के दंदाने नुकीले हो जाएं, तेज़ हो जाएं या टेढ़े हो जाएं या टूट जाएं, तो उस सूरत में आपने चैन का लिंक कभी भी नहीं निकालना। ये तो खैर नई बाइक है, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है अभी चैन का लिंक निकालने की और ना ही आपने निकलवाना है। इसकी चैन को जस्ट आपने एडजस्ट करना है। चैन कवर के ऊपर इसकी एडजस्टमेंट भी लिखी हुई है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। इसके चैन के अंदर जो फ्री प्ले है वो आपने 12 से 15 mm ही रखनी है। उसके बाद चैन कवर को अंदर से वॉश करने के बाद आपने वापस लगा देना है। चैन कवर को वापस लगाने के बाद दोनों बोल्ट्स को आपने अच्छी तरह टाइट कर देना है। उसके बाद बारी आ जाती है इसकी स्पोक्स की। स्पोक्स आपने चेक कर लेनी है, जो स्पोक्स ज़्यादा ढीली हो उस स्पोक्स को आपने मखसूस टार्क के मुताबिक आपने टाइट करना है। बहुत ज़्यादा टाइट करने से व्हील की अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगी, व्हील टेढ़ा हो सकता है। सारी स्पोक्स को आपने चेक कर लेना है, जो स्पोक आपको ढीली नज़र आए उस स्पोक को आपने अच्छी तरह टाइट करना है, बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों व्हील्स की स्पोक्स आपने चेक कर लेनी है। स्पोक्स टाइट करने के बाद दोनों व्हील्स के टायर प्रेशर को भी आपने चेक करना है। चैन कवर के ऊपर डिटेल लिखी हुई है कौन से व्हील में कितना टायर प्रेशर होना चाहिए। पूरी बाइक के आपने नट बोल्ट सभी के सभी चेक कर लेने हैं। अगर आपको कोई नट या बोल्ट ढीला नज़र आए तो उसको आपने टाइट कर देना है। बहुत सारे दोस्त नई बाइक परचेज़ करते हैं और ये कहते हैं कि ट्यूनिंग करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। ट्यूनिंग करवाने की ज़रूरत होती है। पहली ट्यूनिंग आपने 1000 किलोमीटर के बाद करवानी है, दूसरी ट्यूनिंग आपने 3000 किलोमीटर के बाद करवानी है और जो तीसरी ट्यूनिंग है वो 5000 किलोमीटर के बाद करवानी है। उसके बाद आपने हर 1000 किलोमीटर के बाद इंजन ऑयल तब्दील करवाना है और दूसरे इंजन ऑयल के साथ, यानी 2000 हर 2000 किलोमीटर के बाद आपने बाइक की ट्यूनिंग करवानी है। ट्यूनिंग करवाना क्यों ज़रूरी है? कुछ अरसा मोटरसाइकिल के इस्तेमाल के बाद पुर्जों की रगड़, माहौलियाती असरात, मौसमी असरात की वजह से मोटरसाइकिल की कारकर्दगी में कमी होना शुरू हो जाती है। मोटरसाइकिल की गिरती हुई कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ पुर्जों की एडजस्टमेंट, कुछ पुर्जों की सफाई और कुछ पुर्जों की तब्दीली करने से मोटरसाइकिल की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सकता है। अभी आप देख सकते हैं हम इसके सिलेंसर को भी वॉश कर रहे हैं पेट्रोल के साथ। इससे ये होता है कि थोड़ा बहुत अगर जो कार्बन वगैरह हो वो भी इसका साफ़ हो जाता है। बाय द वे, इस तरह सिलेंसर वॉश करना कंपनी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हम खुद सिलेंसर वॉश करते हैं। इससे साउंड बेहतर हो जाता है, कस्टमर अच्छी तरह मुतमिन हो जाता है। कंप्लीट ट्यूनिंग करने के बाद आपने बाइक की टेस्टिंग ड्राइव कर लेनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।